आज सोज फूड कॉर्नर हिंदी में बन रहा है एक बहुत ही ज़बरदस्त बेसिक वाला लाजवाब चिकन करी, ऐसा जो इतना आसानी से बनता है। और ख़ास बात है, इसमें आपको करछी लगाने की ज़रूरत नहीं। सारा इंग्रेडिएंट्स हम एक पॉट में डाल देंगे, बेसिकली हांडी में डाल देंगे, मिट्टी का है। और उसका जो फ्लेवर आएगा, एक स्पेशल टच देंगे, उससे ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ज़रूर देखिए ये रेसिपी, हांडी चिकन आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सोस फूड कॉर्नर हिंदी पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पर क्लिक कीजिएगा। और मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले ना कुछ सूखे मसाले हैं बेसिक से, थोड़े से साबुत धनिया है, जीरा है, इलायची है, गोल मिर्च है, और यहाँ पे थोड़े से फूल चक्री है, दालचीनी है, सब चीज़ हम ले लिए हैं। इसके अलावा 20 से 25 लहसुन का कली और 2 इंच अदरक और 4-5 हरा मिर्च को अच्छे से हम इसको क्रश कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए मैं प्लीज़ प्रीफर करूँगी कि आप प्यूरी ना डालें, ब्लेंड ना करें, इस तरह से इसे क्रश कर ले, अच्छे से कूच दे। इसका जो फ्लेवर आता है ना, एग्जैक्टली वैसा आता है जैसे हम लोग मानिए पिकनिक वगैरह में बनाते हैं। और क्योंकि ये हांडी चिकन है एकदम बेसिक रस्टिक वाला, तो इतना इसमें प्योरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होता। बस इस तरह से रफली इसे क्रश कर लें। और जो साबुत गर्म मसाले हम लिए थे, इसमें मैंने साबुत जीरा और साबुत धनिया यूज़ किया है। ना हो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, तो ज़रूर ऐड करें, इससे टेक्सचर अच्छा आता है। मीडियम फ्लेम पे जब तक आपका हाथ छू पाए, बस 2-3 मिनट इसको अच्छे से सेक ले। सेकने के बाद ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको मिक्सी जार में डाल के दरदरा हमको पीसना है। ये चीज़ का ध्यान रखें, पहले तो ये जब सेक जाए, हल्का ठंडा हो जाए, तभी आप मिक्सी जार में डालें। और इसको इस तरह से हम दरदरा पीस लेंगे, एकदम फाइन पाउडर ना करें। उसका जो ग्रेवी का कंसिस्टेंसी वो अलग हो जाएगा, और दरदरा पीसने से बहुत ही अलग फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। तो बस जब ये हो जाए तो इस चिकन को हम बनाएंगे हांडी में। मिट्टी का हांडी में ली हूँ, इसका अपना ही फ्लेवर होता है। नया ले रहे हो तो पानी में डुबो लें 1-2 घंटा के लिए, फिर धूप में सुखा लें या तो पंखा के नीचे सुखा लें और तब यूज़ करें। ऐसा ना यूज़ करें, मेरा ये बहुत पहले बहुत बारी यूज़ किया हुआ है, तो हम इसमें बनाएंगे। उससे पहले एक बड़ा सा बाउल में पहले हम लेंगे, 1.5 केजी में चिकन ली हूँ तो उसके लिए 400 ग्राम में पतला कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन हरा मिर्च जो हम उसको क्रश किए थे वो, गरम मसाले और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और तीखापन के हिसाब से मिर्चा ले लें। हल्दी कम डलता है इस डिश में, 1 छोटी चम्मच, और सरसों का तेल 50 ml को अच्छे से धुआं आने तक गर्म करें। सारा डाल देंगे इन मसालों पे, थोड़ा सा बचा लेंगे 1 बड़ा चम्मच के आसपास, ताकि हम वो मिट्टी वाला जो हांडी है ना उसको अच्छे से थोड़ा सा कोट कर पाए। और एक बड़ा साइज़ के टमाटर को दरदरा पीस ली हूँ, 2 छोटे चम्मच या 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा हल्का खट्टा वाला। इसमें दही डाल दे, नमक डाल दे टेस्ट के हिसाब से। अब हाथों का जादू चलाए और इसको मिला ले सारे इंग्रेडिएंट्स को, प्याज वगैरह सब अच्छे से मसाला मिल जाएगा। तो अब इसमें डलाएगा चिकन, 1.5 केजी में ली हूँ, ज़रा सा बड़ा बड़ा पीसेस करें हांडी चिकन के लिए, मीडियम पीसेस से, थोड़ा ज़्यादा छोटे बिल्कुल ना करें। और फिर इसमें थोड़े से हम कसूरी मेथी डाल के इसको अच्छे से मिला के 2 घंटा रख लेंगे मैरिनेशन के लिए। अगर 2 घंटा ना हो पाए तो कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा बाद स्पेशल टच क्या है, जंगली चिकन है, हांडी चिकन है, तो ना एक हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे कोयला ली हूँ, और जो तेल हम बचाए थे 1 बड़ा चम्मच, इसको हांडी में इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर आपके पास कोयला ना हो तो बिना कोयले के भी आप घर में बना सकते हैं, पर हो तो वो ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए आप ज़रूर डालें। तो बस इसमें इस तरह से तेल लगा के हम चिकन डाल देंगे, और उसके ऊपर एक तेज पत्ता डाल देंगे, और 150 ml भर पानी, मतलब 1 ग्लास का आधा ग्लास भर पानी देके इस तरह से थोड़ा सा इसको हिला लें। और फिर तब तक हमारा कोयला जो है वो अच्छे से जल गया है, तो एक स्टील का कटोरी रख के कोयला को धीरे धीरे इस पे रखे, और धुआं हम इसको लगाएंगे। तो 1 छोटी चम्मच घी इस गर्म 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 कोयला पे डाल दे और तुरंत ढक्कन लगा दे। कुछ अगर इस तरह से होल होगा, छेद होगा, तो उसको सील कर ले, चाहे लॉन्ग सेज करें, चाहे पेपर से करें, कैसे हो करें, 10-15 मिनट छोड़ दे। और देखिए सारे जो कोयला का फ्लेवर्स है ना, सारे इस चिकन में आ गया है। अब ये जो बनेगा एकदम ऐसे लगेगा जैसे आप जंगल में बना रहे हैं, पिकनिक में बना रहे हैं। अब इसको हम लगाएंगे दम, तो उसके लिए गूंधे हुए आटे से इस तरह से इसको सील कर लें, जैसे हम बिरयानियाँ करते हैं बिल्कुल ऐसा। इसमें कुछ करछी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि कैसे बनेगा, बनेगा तो ये ज़बरदस्त
बहुत ही औसम बनता है। इस तरह से लगा के ढक्कन लगा दे। अब नॉर्मली तो इसको कोयला वगैरह में पकाते हैं, उतना तो हम घर पे कर नहीं सकते, उतना सारा कोयला अरेंज करके तो हम इसको पकाएंगे गैस पे। गैस पे पहला 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ ना, अच्छे से सीर होना ज़रूरी है, इसलिए 2-3 बार मैं चेक कर ली। तो हाई फ्लेम पे पहला 3 मिनट पका लें, फिर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे कर लें, और फिर 10 मिनट बाद इसको ना कपड़े से साइड से पकड़ के ज़रा सा हिला लें, और फिर फ्लेम एकदम लो करके और 10-15 मिनट छोड़ दें, गैस ऑफ कर दें। उसके बाद रेस्टिंग टाइम दे दें 15 मिनट, और 15 मिनट बाद जब थोड़ा सा हल्का ये ठंडा जाए तब तो इसको ध्यान से खोलें। अब करछी से पहले अच्छे से मिला लें, आप देख पा रहे होंगे क्या ज़बरदस्त लुक आया है। ग्रेवी जो है पूरा सेमी ग्रेवी बन गया है, ज़्यादा बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं है, लटपटा सा है। तेल बहुत ही खूबसूरती से ऊपर आ गया है। अब देखिए चिकन जो है बहुत सही कुक हुआ है, कलर से आप जान ही पा रहे होंगे। अब इसको मैं सर्व की हूँ गर्मा गर्म। ऐसा एक डिश है जिसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, वो अपने ही जूसेस में कुक हुआ, सॉफ्ट है, टेंडर है। गर्मा गर्म चावल हो, रोटी हो, पराठा हो, नान हो, सबके साथ ये बेहतरीन लगता है। हांडे चिकन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो है ना बहुत ही अलग रेसिपी। और अब समय है कमेंट ऑफ द डे का। तो आज का जो कमेंट है वो है जाकिर हुसैन का, वो लिखते हैं, एज ए बिहारी आई लव दिस चोखा योर रेसिपी, ऑसम टू द एक्सटेंट दैट इट डिड पुल अप माई टेस्ट बड्स, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जाकिर। इन्होंने कमेंट किया है 5 तरह के आलू चोखा के रेसिपी पे। सबके दिल के करीब होता है, सबके घर में बनता है, पर सबका अंदाज़ा निराली होता है। तो 5 तरीके का बना था, इनको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यारा सा कमेंट दिया। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। और ये जो आज का रेसिपी है ना चिकन वाला, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। जब भी कुछ अलग खाने को मन करता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। बनता ये लाजवाब है, कोयला ना हो पाए तब भी बन सकता है, पर हो तो ज़रूर ज़रूर डालें, ताकि इससे आपको वो ओरिजिनल फ्लेवर आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।